Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, गणित का तड़का एक बार फिर लगेगा झटका। आज हम लोग जो है बंदर से संबंधित सवाल पढ़ेंगे कि जो है जैसे एक बंदर था, एक व्यक्ति 60 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयत्न करता है। वह एक मिनट में 6 फीट चढ़ता है लेकिन फिसल कर 4 फीट नीचे आ जाता है, तो ऊपर पहुंचने में उसे कितने मिनट लगे। मतलब क्या हुआ कि एक 60 मीटर ऊंचा खंभा था हमारा, कितना मीटर, 60 मीटर ऊंचा खंभा था, और कह रहा है कि एक मिनट में वह 6 फीट चढ़ता है लेकिन 4 फीट नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक मिनट में वो कितना चढ़ता है, 6 - 4 यानी कि 2 फीट चढ़ता है। भाई 6 फीट चढ़ता है लेकिन 4 फीट नीचे सरक जाता है, इसका मतलब चढ़ा कितना, 2 फीट। तो एक मिनट में 2 फीट चढ़ता है वो। अब ये बताइए कि जब आदमी मान लीजिए यहाँ पे पहुँचा है, ठीक, यहाँ से जब ये चढ़ेगा आखिरी बार चढ़ेगा जब, तो कितना चढ़ेगा, 6 फीट चढ़ेगा। अर्थात 6 फीट ये चढ़ेगा तो क्या दोबारा सरकेगा, भाई जब हम पहुंच गए ऊपर तो सरकने का कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब लास्ट वाला ये जो 6 फीट चढ़ा है, इसमें लास्ट वाले एक मिनट में ये कितना फीट चढ़ेगा, 6 फीट चढ़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 60 में से हम 6 घटा देंगे, 60 में से 6 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 54 फीट। इसका मतलब कि उस आदमी को कितना चढ़ना है, 54 फीट चढ़ना है। अब देखिए एक मिनट में कितना चढ़ रहा है, 2 फीट चढ़ रहा है, तो 54 फीट कितने मिनट में चढ़ेगा, तो 54/2 कर दीजिए तो 2 × 4 = 5 और 2 = 14, तो 27 मिनट में वो कितना चढ़ेगा, 54 फीट चढ़ जाएगा। मतलब कि यहां से चढ़ना शुरू किया, 27 मिनट में वह यहां तक पहुंच जाएगा और लास्ट वाले एक मिनट में वह ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब कि कुल समय आपका क्या हो जाएगा, कुल समय बराबर जितना आया रहे ये और प्लस एक, अर्थात 28 मिनट। समझ में आया कैसे हुआ। अगर हम इसकी ट्रिक बनाएं तो केवल ये देखें, कुल दूरी माइनस एक बार में चढ़ी दूरी बटे फिसली और चढ़ी दूरियों का अंतर और प्लस वन, अगर इसका फार्मूला बनाए तो यही जो है आपका शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी, मात्र 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए अगला है, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा, कितने फीट पर चढ़ना है, 60 फीट पर, एक सेकंड में 3 फीट उछलता है, तो एक सेकंड में जितना उछलता है उसको घटा दीजिए बटे फिर 2 फीट नीचे सरक आता है, तो चढ़ना और सरकना दोनों का अंतर कर दीजिए और इसी में प्लस एक जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, अर्थात कितना, 57/1 + 1 अर्थात 58 सेकंड, यही आ जाएगा आंसर। कहीं समझ में ना आया हो तो बताइए, आप विस्तार में लगाना चाहे तो लगा सकते हैं भाई, चूंकि ये 60 फीट था आपका, जब लास्ट वाला चढ़ेगा एक सेकंड में तो कितना चढ़ेगा, 3 फीट चढ़ेगा, तो इसका मतलब कितना चढ़ना है उसको, 57 फीट चढ़ना है और जितना 57 फीट चढ़ने में लगेगा और प्लस उसी में एक कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक सेकंड में 3 फीट चढ़ता है लेकिन 2 फीट नीचे फर्क आता है, तो इसका मतलब कि एक सेकंड में वह कितना चढ़ा, एक सेकंड में 1 फीट चढ़ा, एक सेकंड में कितना चढ़ा, 1 फीट चढ़ा, तो 57 फीट कितने देर में चढ़ेगा, 57 सेकंड में और प्लस 1 यानी कि 58 सेकंड में। तो चाहे आप इस तरह लगाएंगे और अगर ट्रिक से लगाना चाहें तो यही है आपका। आगे चलते हैं, कह रहा है कि एक 50 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर एक मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। भाई खंभा आपका कितना है, 50 मीटर, एक मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, एक मिनट लगेगा 5 मीटर चढ़ेगा, फिर अगले मिनट में 2 मीटर नीचे चला आता है, अगले मिनट में 2 मीटर नीचे चला आता है, इसका मतलब कि 2 मिनट में कितना चढ़ा, भाई एक मिनट में 5 मीटर चढ़ा लेकिन अगले मिनट में 2 मीटर नीचे आ गया, इसका मतलब कि 2 मिनट में वह चढ़ा कितना, 2 मिनट में चढ़ा 3 मीटर, 2 मिनट में वह कितना चढ़ा, 3 मीटर चढ़ा। तो अब बताइए लास्ट में जब चढ़ेगा तो क्या सरकेगा, क्या नहीं सरकेगा, इसका मतलब लास्ट में कितना चढ़ेगा,
5 मीटर चढ़ेगा। तो 5 मीटर चढ़ेगा तो इसका मतलब कुल उसको कितना चढ़ना रहेगा, कुल चढ़ना है उसको 45 मीटर चढ़ना है। तब ये देख लीजिए कि 45 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा। हम देख रहे हैं कि 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है, तो यानी कि 45/3 × 2 कर दीजिए तो हमको ये पता चल जाएगा 45 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा। तो 15 × 3 = 45, 15 × 2 यानी कि 30 मिनट में वह कितना चढ़ जाएगा, 45 मीटर चढ़ जाएगा। अभी लेकिन यहीं तक पहुंचा है, अब की जब चढ़ेगा तो अब की सरकेगा नहीं, केवल चढ़ेगा, अर्थात 30 मिनट प्लस 1 यानी कि 31 मिनट, 31 मिनट में बंदर कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, तो ये थी आज की हमारी ट्रिक। ये तीनों इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके बनते हैं तो ये कैसे लगाएंगे आज हमने बताया। और जो आपका अगला टाइप कल वाला रहेगा, कल हम चर्चा करेंगे कि जो हाथ मिलाते हैं कि एक पार्टी में इतने व्यक्ति थे, हाथ मिलाए कितनी बार, हाथ मिलाया गया, अगर उपहार दिए तो कितना उपहार दिया गया, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको हम देते रहेंगे।